अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ रेनबो ग्रामर स्कूल, क्लास 3, यूनिट नंबर 3, नेम नंबर ऑपरेशंस। टुडे वी डू एक्सरसाइज नंबर 13। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था सबट्रैक्शन। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 1। फॉर स्कूल फंक्शन इन्विटेशन कार्ड्स फॉर सेंड टू 3,860 पीपल बट ओनली 2,978 पीपल केम, हाउ मेनी कार्ड्स वर नॉट यूज। स्टूडेंट्स, इसमें वो आपको बता रहे हैं कि एक स्कूल के फंक्शन के लिए 3,860 पीपल के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ कितने पीपल फंक्शन में आए थे, 2,978, यानी इतने कार्ड में से सिर्फ इतने लोग इनविटेशन में आए थे। तो आपने बताना है कि कितने कार्ड्स ऐसे हैं जो यूज़ नहीं हुए, यानी कितने पीपल्स हैं जो फंक्शन में नहीं आए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आपके आसानी के लिए कॉलम बनाया हुआ है, आप लोगों ने क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि आपने सब्ट्रैक्शन हमेशा अपने राइट हैंड साइड से शुरू करनी है। वंस को वंस में से फर्स्ट वन में से सेकेंड वंस को निकालना है, फर्स्ट टेन में से सेकेंड टेन को निकालना है, फर्स्ट हंड्रेड में से सेकेंड हंड्रेड को निकालना है, एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट थाउजेंड में से सेकेंड थाउजेंड को निकालना है। जिस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बताया था, अगर आप फर्स्ट वंस छोटा हुआ और सेकंड बड़ा हुआ, तो हम लोग इस सूरत में क्या करते हैं, साथ वाले कॉलम में से वन बोरो लेते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है आपके पास जीरो और एट, जीरो आपके पास जब पहले से ही जीरो है, तो जीरो में से एट निकालना पॉसिबल नहीं है। ऐसी सूरत में हम लोग साथ वाले कॉलम यानी टेन में से क्या लेंगे, बोरो लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्या लिया, बोरो लिया, तो ये क्या बन गया, टेन। टेन में से एट निकाला, आपके पास क्या आ गया, टू। जी स्टूडेंट, जब हम लोग साथ वाले अमाउंट में से बोरो लेते हैं, तो पीछे अमाउंट में से वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे सिक्स था, सिक्स में से हमने इसको बोरो ले लेते, पीछे क्या रह गया, फाइव। अब देखिए स्टूडेंट्स, फाइव फाइव है और सेवन है, फाइव में से सेवन नहीं जा सकते, तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वाले कॉलम में से इसको क्या देंगे, बोरो देंगे। जैसे कि आपके पास हंड्रेड है, हंड्रेड में आपके पास क्या था, एट था। जी स्टूडेंट्स, एट में हमने इसको बोरो दिया, यहाँ पे क्या बन गया, फिफ्टीन बन गया। फिफ्टीन में से आपने क्या निकालना है, सेवन निकालने। जी स्टूडेंट्स, अगर हम 15 में से 7 निकालेंगे, हमारे पास क्या बच गया, 8 बच गया। और यहाँ पे जब हमने इसको 8 में से 1 इसको बोरो दे दिया, तो पीछे क्या रह गया, हमारे पास 7 रह गया। क्या रह गया स्टूडेंट्स, 7 रह गया। अब ऊपर 7 है और नीचे 9 है। जी स्टूडेंट्स, 7 में से 9 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1000 में से एक कॉलम में से एक अपने पास क्या ले लेंगे, बोरो दे देंगे इसको 100 को। 1000 में से जब हम लोग इसको एक बोरो देंगे, अब हमारे पास क्या बच गया, क्या बन गया, 17 बन गया। अब आपने क्या करना है, 17 में से 9 को क्या करना है स्टूडेंट्स, निकालना है। 17 में से 9 को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, अगर हम 17 में से 9 निकालेंगे, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर 8 बच गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सीधा 3 में से आपने इसको बोरो दे दिया, तो पीछे क्या बच गया, 2। 2 में से 2 निकाले, तो आपके पास आ गया 0। अब 0 लिखे या ना लिखे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि स्कूल फंक्शन के टोटल कार्ड्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, 3,860, जिसमें से 2,978 कार्ड्स यूज हुए थे, यानी इतने पीपल आए थे, इतने लोग आए थे, लेकिन कितने यूज नहीं हुए, यानी कि कितने लोग नहीं आए फंक्शन में, 882। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके वर्ड्स प्रॉब्लम रिमेनिंग आपने खुद करनी है। सबसे पहले आपने वैल्यूज को अरेंज करना है, वंस को वन से, टेन को टेन से, हंड्रेड को हंड्रेड से, थाउजेंड को थाउजेंड से निकालना है। नाउ वी डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी डू एक्सरसाइज नंबर 14। वर्क दिस सब्ट्रैक्शन आउट मेंटली। जैसे कि स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, आपने एडिशन में भी मेंटली कैलकुलेशंस की थी, उसका मेथड क्या था आपका, सिंपल, वंस को वंस में ऐड करना है, टेंस को टेंस में ऐड करना है। लेकिन सबसे पहले आपने वंस को सॉल्व करना है, देन टेंस को। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल इसी तरह होने, सिर्फ फर्क किया आ जाएगा कि आपने वंस को वंस में से निकालना है और टेंस को टेंस में से निकालना है। जी स्टूडेंट्स, आपके पास देखें, ये टेंस है और ये क्या है, वंस है, ये भी क्या है, टेंस, और ये क्या आपके पास, वंस। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, वंस में से निकालना है, जीरो में से जीरो निकाला, आपके पास क्या बच गया, जीरो मंथ्स, और ये आपके पास क्या आ गया, टेंस। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये भी टेंस है और ये भी टेंस है, आप फाइव में से वन निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होने स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके सिलेबस में है, 11 से 14 तक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो आपने सिर्फ इसको 10 तक ही सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में आपको बोरो लेने पड़े, आप यहाँ पे बोरो लेना, आपको स्टार्टिंग में ही बोरो का मेथड बता दिया था। अगर आप वंस छोटा होगा फर्स्ट सेकेंड मंथ से, तो आपने सात वाले अमाउंट से यानी सात वाले कॉलम से यानी टेंथ से आपने इसको क्या करना है, बोरो देना है। जब आप बोरो दोगे, तो पीछे से एक डिजिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। नाउ वी डू एक्सरसाइज नंबर 15। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 15 आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए स्टूडेंट के, कौन कौन से पढ़े, एक हमने एडिशन पढ़ा विद कैरिंग और विदाउट कैरिंग ओवर, उसके बाद हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन विद बोरिंग और विदाउट बोरिंग। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन।